नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के बाद गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया बयान, बोले स्पीकर का फैसला लोकतंत्र की हत्या और सुप्रीम कोर्ट का अपमान। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला लेते हुए शिंदे गुट की शिवसेना को बताया असली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सभी शिवसैनिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक बार फिर लोकतंत्र की हुई है जीत। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जताया आक्रोश, बोली वही होता है जो मंजूर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर हो चुका है तैयार। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का 12 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 475 नए मामले आए सामने। मुंबई में मिले नए वेरियंट JN1 के 19 मरीज। CBI ने रेलवे परीक्षा लीक मामले में 12 जगहों पर ली तलाशी। CBI ने मुंबई की एप्टेक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज किया मामला। परीक्षा में 8600 से अधिक उम्मीदवार हुए थे शामिल। मंगलवार को हुई बारिश से मुंबईकरों को मिली बड़ी राहत। बेमौसम बरसात से मुंबई की वायु गुणवत्ता में हुई सुधार, 85 पर पहुंचा मुंबई का AQI। महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर जल्द होगा शुरू। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार की बारी। NCP विधायकों की अयोग्यता पर जल्द होगा फैसला। BJP नेता पंकजा मुंडे की बढ़ सकती है मुश्किलें। पंकजा मुंडे के चीनी कारखाने की होगी ई नीलामी। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 203.69 करोड़ रुपए के बकाया वसूली के लिए भाजपा नेता को भेजा नोटिस। मुंबई से सटे थाने जिले से आया शर्मसार कर देने वाला मामला। 14 साल की नाबालिग प्रेमिका को घर बुलाकर प्रेमी ने अपने दोस्तों संग किया गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।